हेलो एवरीवन, आज मैं ट्राई कर रही हूँ बेसन की बर्फ़ी बनाने का घर में। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून घी लिया है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलो बेसन डालते हैं। गैस सिम पे कर दी है मैंने, तो ये डाल दिया है बेसन, तो इसको स्टिर करते हैं। सिम पे है गैस बिल्कुल, इसका जो कच्चापन है वो पूरा चला जाना चाहिए और अच्छे से बेसन हमारा ब्राउन हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें लगेंगे 5 से 8 मिनट। तो देख पा रहे हैं आप, अच्छे से मैंने मिक्स किया है। अभी कुक करेंगे हम 5 से 7-8 मिनट तक, जब तक ये अच्छा ब्राउन नहीं हो जाता है। इसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 इलायची कट करके अच्छे फ्लेवर के लिए। अभी ब्राउन होना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है बेसन भूनने की, और इसे थोड़ा और भूनेंगे। एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर, आप चाहते हो तो पानी और शक्कर की चाशनी बना के इसमें मिक्स कर सकते हो। तो देख पा रहे हो आप, देखो कितने अच्छे से भूना जा रहा है, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। देसी घी की बेसन की बर्फी, वाह, पहली बार बना रही हूँ मैं, मैंने पहले कभी बनाया नहीं है, मेरा भी एक्सपेरिमेंट है। तो अब हम इसमें डालेंगे शक्कर अराउंड 3 to 4 टीस्पून। पाउडर्ड शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो पहला चम्मच एक हाथ से कर रही हूँ, तो 3-4 चम्मच डाल दिए, मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हो शक्कर मिक्स हो गई है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच घी, क्योंकि अभी सूखा सूखा हो गया शक्कर डालने के बाद। तो ये डाला घी, देखो कैसे मेल्ट हो रहा है, तो चलो मिक्स कर लेते हैं। तो अभी देखो अच्छे से घी मेल्ट हो गया है, मिक्सिंग हो गई है। इसको 1-2 मिनट भूनेंगे और प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में थोड़ा सा घी या बटर पेपर पे घी या तेल लगा के आप इसको सेट कर देंगे। अभी आप देख पा रहे हो ये एक काइंड ऑफ अ सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको अभी हम बंद कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, प्लेट में डाल देंगे थोड़ा सा घी या तेल लगा के। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट पे हम लगा रहे हैं तेल, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे मेनली बीच के पार्ट पे, और इसको ऐसे हाथों से सारा स्प्रेड कर लेंगे। एंड देन हम अपना मटेरियल डाल देंगे इसमें। ये आप देख पा रहे हो मैंने सारा एक जगह पे डाला है, इसको इस तरह से डैब कर दो हल्का हल्का, और इसको सेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और कट कर देंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, देखते हैं कैसा इसका आउटपुट आता है। इस तरह से इसको सेट कर लिया, और हल्का सा छुरी से इस पे मार्क बना देंगे। तो मुझे लग रहा है मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का ऐसे कट लगा देंगे, ताकि जब ये सेट हो जाए तो पीसेस के फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। इसी तरह से यहाँ से भी ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको इसका रिज़ल्ट थंबनेल में मिल जाएगा कैसी बनी बर्फ़ी। बाय।